पोरी सेंचुरी के सामने टैंकर यूनियन की बैठक संपन्न, टैंकर परिवहन की नई दरें जारी। पोरी अनुविभाग में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया, जिसके चलते जल स्तर घटना शुरू हो गया। ऐसे में पहले 6 निजी बोरों से टैंकर संचालकों को पानी मिलने लगा, बावजूद इन दिनों केवल 3 बोरों से पानी मिल रहा है। ऐसे में आज सेंचुरी के सामने टैंकर यूनियन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से टैंकरों की दरों में इजाफा किया गया, जहां गुरुवार से पोहरी नगर में अब 400 की वजह से 500 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से परिवहन किया जाएगा। बता दें कि जल स्तर कम होने व डीजल पेट्रोल के दामों में इजाफा होने के चलते पानी की दरों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते टैंकर की दरों में इजाफा किया जा रहा है, जहां बैठक में 15 टैंकर संचालक मौजूद रहे। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज सभी टैंकर संचालकों की यहाँ बैठक सम्पन्न हुई है, क्या कुछ उसमें फैसले लिए गए हैं और आखिर किस वजह बैठक की गई? देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आए दिन डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण पानी का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे चला गया है, और इसी बीच हमें कई ट्यूबवेलों से बोरों से पानी लेने में बड़ी समस्या आ रही है। पौड़ी से बड़ी दूर तो जाना पड़ता है, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा जो है डीजल का लगता है, और ग्राहकों द्वारा हमें एक उचित रेट नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टैंकर का जो दाम है वो इस सीज़न के लिए, गर्मी सीजन के लिए, हम 300 या 350 बढ़ाकर 500 रुपये प्रति टैंकर कर रहे हैं। जी,